हेलो तो बोल, हेलो बोल, पहले पहले हेलो बोल। टाटा का टाटा टाटा का बोल सेकंड कैसे कर यू इधर यू कर व्लॉग 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 बहुत दिन बाद व्लॉग बन रहे है व्लॉग बहुत दिन बाद व्लॉग ब्लॉग 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 ब्लॉग। हाँ, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। तो अभी अपन ब्लॉग बनाना चालू करेंगे क्योंकि अपन शॉर्ट्स वीडियो बीच में बना रहे थे बहुत ज्यादा। ब्लॉग वीडियो का प्रॉब्लम यही है, मतलब बड़े वीडियोस का, कि बना तो लेता हूँ मैं लेकिन एडिट नहीं कर पाता हूँ। और बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जो अब तक मेरे पड़े जो एडिट मैंने किया नहीं है अब तक, मतलब कितना बोर होता है यार, इसलिए शॉर्ट्स वीडियो फटाफट। अरे यार बारिश का मौसम कैसा आ गया आज, तो पुणे में आज वायर हो रही है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बिलेटेड 10 तारीख हो रहा है आज, और हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड बिकॉज मैंने आज ही व्लॉग बनाना है तो आज विश करना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जिम के लिए। तो इतने दिन हो गए, बहुत सी चीज़ें बदल गए इस दुनिया में, जैसे मालदीव के लवड़े लग गए हैं, जैसे बिग बॉस जैसे चूतिया शो में देखने लगा हूँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसे हो गई है। और मेरे को शॉर्ट्स वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया हूँ, इंस्टाग्राम में भी मैं काफ़ी फेमस हो गया हूँ, और यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस हो रहा हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे मैं वायरल हो गया हूँ, मतलब कंटेंट छोटे 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 बनाने की वजह से। तो मेरे को ऐसा लग रहा था छोटे छोटे कॉन्टेंट बना रहा हूँ तो बड़े ब्लॉग क्या ही बनाऊँ, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा पता लगा, रियलाइज़ हुआ मेरे को कि भाई पैसा तो बड़े वीडियो में ही है, मतलब छोटे वीडियोज़ में इतने पैसे है नहीं। मोनेटाइज हो गया मेरा यूट्यूब का चैनल, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है व्लॉग जो बड़े रहते हैं उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। शॉर्ट्स में व्यूज़ आ जाते हैं फटाफट, लेकिन छिंदी चोरी काम है वो। हाँ, इंस्टाग्राम से पैसा अच्छा खासा मिल सकता है, अभी तो मैं ग्रो हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सब चीज़ें लेके ही चलता हूँ, और बड़े वीडियोज़ भी बनाता हूँ छोटे वीडियोज़ भी बनाता हूँ दोनों बनाता हूँ। और एक नया अपडेट ऐसा है कि अपन अभी नया कुछ बकचोदी चालू करने वाले हैं यूट्यूब पर, इसलिए ये व्लॉग वही खास उस चीज़ को बताने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये चालू करने वाले हैं बकचोदी, मतलब एक पॉडकास्ट टाइप, मतलब पॉडकास्ट नहीं, कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा उस पर मैं बकचोदी करूंगा। अब टॉपिक कुछ भी रह सकता है गाइस, तो उसके लिए जो मेरा ऑफिस है ना उसके ऊपर एक थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे मैं मेरा एक स्टूडियो बना रहा हूँ, लाइटिंग वीटिंग ऐसा टेबल वगैरह रख दूंगा, पीछे वॉलपेपर, सामने कैमरा, और कोई भी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। और बात तो मेरा आप लोगों को मालूम है ना, कुछ मतलब ऐसा यूजफुल नहीं रहता, यूजलेस रहता है। तो अगर मैं एंटरटेन करने की सिर्फ कोशिश करूंगा, अगर आपको सच में टाइम है तो देखना, नहीं रहेगा तो नहीं देखना। तो अभी बज रहे सुबह के कितनी, अरे फोन तो उधर है ना, सुबह के आता वास्ते 11 बज रहे, और मैं जिम के लिए निकल गया हूँ। अभी मैं जिम को भी बहुत सीरियसली लेने वाला हूँ इस साल, क्योंकि कल ही मैंने इंस्टाग्राम में एक का पोस्ट देखा, उसकी बॉडी देखने के बाद मैं पंप हो गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बॉडी बनाना जरूरी हो गया है। आज तो मैं आप लोगों को वर्कआउट का कुछ दिखाऊंगा नहीं, बॉडी खत्म हो गई ना गाइस, देखो ना आप लोग भी खत्म हो गए ऑलमोस्ट, मतलब 50% पे आ गया हूँ मैं। तो अभी वर्कआउट वर्कआउट करेंगे, एक दो हफ्ता अच्छा पंप करेंगे, फिर वर्कआउट का भी बनाएंगे एकदम मस्त एस्थेटिक व्यू में। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज का छोटा सा एक व्लॉग बना के आप लोगों को इंट्रो देता हूँ, और मैं जिंदा हूँ ये बताता हूँ। ये तो चालू ही रहता है हमेशा, ये उड़ा देते हैं जो मिलता है उसको उड़ा देते हैं भाई, जो मिलता है उसको उड़ा देते हैं गाइस। और जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है गाइस कि 4 महीने पहले मैंने नया जिम ज्वाइन किया था, लेकिन आप लोग आज बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो जिम है पुराना वाला वो जिम अच्छा था काफ़ी, लेकिन चूतिया जिम था तो हमने जिम चेंज कर दिया है, जिसका नाम है इवॉल्व। इवॉल्व काफ़ी फेमस जिम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर आते हैं, जो कि मेरे को पसंद है नहीं वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसर लोग आते हैं। जिम अच्छा है, वाइब अच्छा है, मशीन्स अच्छे हैं, वर्कआउट अच्छा होता है, बस यही पॉइंट है। अभी अपन जिम पहुंच गए और यहाँ पे हमारा जिम है, आप लोग कभी भी आओ मेरे को मिलने बिंदास, क्या कभी भी आओ गाइज, आप लोग, आप लोगों के लिए मैं एनी टाइम फ्री है, वैसे तो मैं फ्री च रहता हूँ चीज़ गाइज। अभी तो जिम पहुंच गए हम लोग, लेकिन अभी मैं आज नया अपडेट ये है कि आज मैं एक शो रहता है,
रियलिटी शो जिसका मैं फॉर्म भरने वाला हूँ, उसका मैं तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को बता नहीं चल रहा है आप लोगों को तो उसका मैं फॉर्म भर दिया हूँ, लेकिन उनको एक वीडियो चाहिए मेरा, तो वो वीडियो शूट भी करूँगा मैं, और उसमें बताना है मेरे को कि मैं अब तक सिंगल क्यों हूँ, तो वो भी रीज़न वहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो आज वो शूट करके मेरे को वहाँ पे अपलोड करना है, तो अभी देखते हैं। उसमें सोच रहा हूँ मैं झूठ बोलूँ कि सच उन लोगों को, लेकिन सच ही बोलूँगा क्योंकि सच कड़वा रहता है लेकिन सच से सब चीज़ जीता जा सकता है। चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों को जिम के बाद। जाते टाइम पूरा सूखा सूखा था, आते टाइम पूरा बारिश बारिश हो गया गाइस, पूरा बारिश हो गया। जाते टाइम एकदम सूखा सूखा धूप था, आते टाइम पूरा बारिश ही बारिश हो गया पूना में। पूना में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अभी मेरी गाड़ी सेफ है कि नहीं वो पता नहीं, बहुत बार मैं ऐसा नो पार्किंग में लगा देता हूँ और गाड़ी वाले मतलब पुलिस वाले उसको जैमर लगा के चले जाते। अच्छा हो गया आज मैं कार लेके आ गया फिर से व्लॉग बनाने में, को काफ़ी मज़ा आ रहा है। प्रॉब्लम यही है कि बस मेरा जो फ़ोन है उसका स्टोरेज है 512 नहीं 256 GB, तो जिसकी वजह से फटाफट भर जाता है फ़ोन, और उसके बाद एक व्लॉग के बाद फटाक से दूसरा एडिट करने के बाद ही, पोस्ट करने के बाद ही दूसरा व्लॉग बना पाता हूँ मैं। वैसे तो मेरा फेवरेट सीज़न जो है वो है विंटर। जब विंटर का ऐसा ख़त्म होने लगता है ना तो मेरे को बोर होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है यार विंटर जा रहा है। अरे जब समर आता है ना ऐसा लगता है कब ख़त्म होता है। बारिश का ऐसा कुछ नहीं है, बारिश मेरे को इतना पसंद नहीं है, जब तक कार है तो ठीक है, ऐसे अच्छा ही लगता है, तो ये सब सीन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, अभी आ गया मेरे को फ़ोन। और एक चीज़ मुझे बताना था आप लोगों को, आप लोग कभी भंड होके लॉलीपॉप खा के देखो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा लॉलीपॉप खाने। एप्पल नहीं बेगा। एक बार मैं हाई हो गया और फिर मैंने लॉलीपॉप खाया तो मेरे को बहुत मज़ा आया, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी लॉलीपॉप खाओ, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो अभी क्या है, अभी बना बोलना पड़ेगा ना, जो है वो दिखाने का रहता है भाई। लॉलीपॉप खाए भंड होके तो बताना ज़रूरी है, तो आप लोग भी खाओ, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बस लॉलीपॉप, और वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं खाना, वो फ्लेवर खाना क्या आता है, कैरामल फ्लेवर खाना, और उसको है ना बहुत मन करेगा तुम लोगों को, उसको तोड़ दूँ खाने के बाद, तोड़ दूँ मुँह में लेने के बाद। लेकिन तोड़ना नहीं, अपना विल पावर चेक करना, लास्ट तक तोड़ना नहीं, बहुत मन होगा कि तोड़ देता हूँ, लेकिन तोड़ना नहीं उसको। अगर आपने उस लॉलीपॉप को तोड़ दिया मुँह में तो मतलब आपका विल पावर बहुत वीक है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस चीज़ को, और फिर ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि लॉलीपॉप खा के आप लोगों को कैसा लगा। लॉलीपॉप लागे लू, एक साल में इतना बन गया एक साल में ये। हाँ चलेगा। ये देखिए मोहम्मद, देख कौन सा चाहिए, देखो मोहम्मद कैसे ठीक है, कौन सा चाहिए ये है। अरे मोहम्मद पैर काहे को रख रहा है बार बार खाने में पैर काहे को रख रहा है। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग निकले हैं मुंबई के लिए। वैसे तो मैं सो गया था लेकिन अब आफ्ताब को कॉल आया और बोला कि चल बज गए 3। मैंने उसको फ़ोन करने के लिए बोला था कि 3:30 बजे तक मेरे को कॉल कर देना, अपने को जाना है क्योंकि हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं वर्सोवा के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, हम लोग का कल तो काम है, और हम लोग सोच रहे हैं कि बीच में वीकेंड भी आ ही जाएगा तो फिर जाके ही आ जाते हैं, कल काम कर लेंगे यार, 2 दिन फन कर लेंगे। तो अभी मैं उठ गया हूँ, ऐसा लग रहा नहीं है मैं सो के उठाऊँ, क्योंकि सो के उठने के बाद भी मैं काफ़ी अच्छे से बकचोदी करता हूँ। और अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से 3 बजे, 6 बजे तक वर्सोवा पहुँच जाएंगे अपन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं ऐसे सोता नहीं हूँ, कभी कहीं जाना होता तो मैं सोता नहीं हूँ। आज पहली बार मैं लाइफ में मेरे को नींद आने लगी, मतलब मैं 12:30 बजे तक सोया, 2.5 घंटे का नैप लिया मैंने। पावर नैप में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बींग ऑनेस्ट, पावर व्यूअर नहीं, अपने को 9-10 घंटा 8 घंटे की नींद चाहिए, नहीं तो पावर व्यूअर इंग्लिश जैसे नहीं चलता है कुछ भाई अपने पास। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी हम लोग आप लोगों को सफ़र दिखाएंगे यहाँ से वर्सोवा का सफ़र। ये जो मैंने फोन होल्डर यहाँ पे लगा दिया है तब से, उसके बाद से ये निकल ही नहीं रहा है वहाँ से यार, मेरे को यहाँ सामने लगाने के बाद कैसे हम लोग बातें करेंगे, आप लोग भी हमारे जो बातें हैं प्रोडक्टिव बातें वो सुन सकते हो। वो अभी हम लोग सोचेंगे, देखेंगे, रास्ते में मेरे को बोर हुआ तो व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बताऊंगा नहीं, अगर बोर नहीं हुआ तो व्लॉग बताऊंगा, नहीं तो डायरेक्टली मुंबई
आने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बीच बीच रास्ते में जो इंसिडेंट हो रहा है हमारे साथ, घटना घट रही है, उसका अपडेट देते रहूं, बाकी नॉर्मल व्लॉगर जैसा, या फिर डायरेक्टली पहुंचने के बाद कुछ अच्छा दिखा तो वो दिखाऊं, अगर नहीं दिखा तो ख़त्म तो नहीं करेंगे यार, इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा ख़त्म, बोलेंगे मैं इंचा आया नहीं चला गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ व्लॉग बनाऊंगा और हर बार सोचता हूँ, हर बार फेल हो जाता हूँ। और अभी जो मैं उठ गया था तो उठने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि व्लॉग बनाऊं कि मत बनाऊं, यार अच्छा देगा व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन फिर बाद में सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं यार, आरिफ बना तो व्लॉग, जब तक तू मेहनत नहीं, आज बट्टे चख लेने दे, मेहनत नहीं करेगा तब तक कैसे आगे बढ़ेगा, तो मैंने सोचा उठाओ कैमरा और बोल डालो माँ खींचू। कैसा हो गया है ना, खतरनाक, क्या हो गया ये, किसको ठोक दिया इसने। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए वर्सोवा, अभी हम लोग इधर जो साइड में दिख रहा है वहां पे चाय पियेंगे। हेलो, हाँ सलमान जी का नाम नहीं बदलना है, हाँ उनका नाम लिस्ट में से निकाल दीजिए। तो आज का खाने का जो शुरुआत होगा वो है रेमन सेमन सीमेन सीमेन सॉरी सॉरी रेमन रेमन से ये निकाला है अपन ने रेमन, और इसको बोलते हैं रेमन जो कि जापनी डिश है, और इसके अंदर चिकन रहता है, अंडा रहता है, पूरा हेल्दी रहता है, स्ट्रांग बनता है इंसान। और ये नूडल्स दिया है उन लोगों ने, अभी मैंने हाथ से ही निकाल लेता है ना ये, इसको डालेंगे अपन इसके अंदर फुल, इससे तो मैं फुल हो जाऊंगा पूरा। तो भाई सीन ऐसा है कि अभी हम लोग 12:30 बज रहे, हम लोग 12:30 बज रहे नहीं तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे, और हम लोग पहुंच गए थे 7:30 बजे तक, मतलब 8 बजे तक घर पे। फिर आने के बाद मेरे को डायरेक्टली नींद आने लगी यार, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा सुबह ही एंड करेंगे ना, घर का तो व्लॉग है अपने, तो अभी हम लोग एंड करेंगे व्लॉग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल बिना सर बिना पैर वाला व्लॉग, मतलब अपन ने कभी स्टार्ट किया, कभी ख़त्म किया, कभी भी रिकॉर्ड किया, अभी अपने को फिर से व्लॉग बनाने का आज शाम से कल शाम तक का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल व्लॉग, अभी अपन ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, क्योंकि जब मैं नींद में था तो मेरे को एकदम से याद आ गया यार व्लॉग तो ख़त्म ही नहीं किया अपन ने, व्लॉग तो चल ही रहा है, तो व्लॉग ख़त्म करना भी ज़रूरी है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल व्लॉग फुल व्लॉग व्लॉग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपन रेगुलर बनाते रहेंगे। और हम लोग पहुँच गए अभी, अभी थोड़ा हम लोग नाश्ता वगैरह करते खाते पीते हैं, फिर आज शाम से चालू करेंगे कल शाम तक का व्लॉग। अभी मैं सोच रहा हूँ नया सेगमेंट चालू करने का, शाम से शाम तक का व्लॉग, मतलब शाम के 5 बजे आज चालू करूँगा, शाम के 5 बजे कल एंड करूँगा, ऐसा व्लॉग बनाएंगे यार, सुबह से शाम का तो रोज लोग बनाते ही रहते। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल व्लॉग अगेन, बाय 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 बाय।